मम्मी यम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आलू कचौड़ी आज बना रही हूँ मटर डाल के। और कैसे बना रही हूँ वो आप देखिए। हींग और जीरा नहीं डाल रही हूँ मैं, धनिया डाल रही हूँ जीरा के जगह पे। धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा कचौड़ी में आता है, साबुत धनिया के। और हरी मिर्च और लहसुन कूट के, अदरक भी इसके साथ है, इसे अच्छी तरह से कूट के डाली हूँ इस तरह। और कटी हुई हरी मिर्च और एक प्याज काट के, अब इसे अच्छी तरह से भून लूंगी। लाल मिर्च नहीं डालूंगी, हरी मिर्च में बना रही हूँ। बिल्कुल समोसा के फ्लेवर आएगा इसके अंदर। तो ये देखिए भून गया है। थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल दी थी मैं और थोड़ी सी हल्दी डाल दी हूँ। अब इसके बाद आलू डाल रही हूँ मैं। समोसा के मसाला इसी तरह बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है समोसा इस तरह से बनाइएगा तो। साबुत धनिया जरूर डालिएगा कभी भी। और तेल बहुत कम डालिएगा, नहीं तो तेल तेल हो जाएगा तो भूनने में दिक्कत आएगी। कम तेल में सूखा सूखा अच्छे से भुनाएगा। और ये भुना हुआ मटर है, मैं पहले ही इसे भून ली हूँ अच्छी तरह से। देखिए तो आलू के चौथाई हिस्सा मटर डालते हैं और समोसा में मूंगफली डालते हैं। तो मैं मटर डाली हूँ, मुझे कचौड़ी बनाना है। और ये नमक स्वाद अनुसार और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है इसके अंदर। अब इसके अंदर धनिया पत्ता डालूंगी। तो ये कटिंग करके मैं रख ली हूँ, अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ। कच्चा धनिया पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा है कचौड़ी में। तो ये मसाला तैयार हो गया, अब मैं कचौड़ी बनाती। तो ये देखिए भर रही हूँ मैं इसके अंदर, छोटी छोटी बना रही हूँ। इसे ऐसे पूस करके बंद करते हैं। छोटी छोटी कचौड़ी बना रही हूँ। ऐसे ही सब भर लूंगी मैं अच्छी तरह से। तेल गरम होने के लिए डाल दी हूँ। ज़्यादा गरम नहीं करना है तेल को, थोड़ा कम कम गरम में ही रखना है। देखिए कचौड़ी हो गया है अच्छी तरह से। और दूसरा बैच में डाल रही हूँ।
लो कर दी हूँ मैं, पहले जो पूरी बना है इसलिए थोड़ा तेल ज़्यादा गर्म हो गया है। तो थाली लगा रही हूँ मैं, दही के साथ खाना है इसे। गर्मी आ रही है तो गर्मी में चटनी वगैरह बहुत गर्मी करेगी, तो दही के साथ कचौड़ी खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए घर में मैं दही जमाई हूँ, स्पेशल कचौड़ी के लिए ही दही बनाई हूँ मैं घर में। और देखिए कचौड़ी मैं कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। अच्छा लगा कचौड़ी और दही, तो मम्मी एमी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। और एक लाइक जरूर बनता है, लाइक में कोई पैसा नहीं लगता।